सिंध हुकूमत ने पुलिस में बेहतरी के लिए नुमाया काम किया। डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली शहला रजा ने कराची चैम्बर में ताजिरों से खिताब करते हुए कहा कि हमारे 24 तरक्याती मंसूबे शुरू हो चुके हैं। तामीराती कामों के बाईस आवाम को वक्ती तकलीफ बर्दाश्त करना होगी। मुराद शाह मुतहर्रिक वजीर आला हैं जिनके काम सबके सामने हैं। सिंध असेंबली में घरेलू तशद्दुद से मुतालिक बेहतरीन कानून साजी भी की गई है। इस कानून के तहत घरेलू तशद्दुद को जुर्म तसव्वुर किया जाएगा। कराची में छोटे बड़े जो मुझे पता चला था 24 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब नई काम कराएं तो हम कहते हैं काम नहीं हो रहा, और काम कराएं तो हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। अब मैं गवर्नमेंट का पार्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वज़ीर आला साहब बहुत मेहनत से बहुत अच्छी तरह काम करने की कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर का कहना था कि आईजी सिंध ने अपने शिकवे हमसे नहीं आवाम से किए थे। आईजी सिंध का कहना था कि पुलिस के कातिलों की सरपरस्ती को आवाम ने असेंबलियों में पहुंचाया है, जबकि हुकूमत सिंध ने पुलिस में बेहतरी के लिए नुमाया काम किया है। उन्होंने सोसाइटी से शिकवा किया था, हुकूमत से ज़्यादा नहीं किया था, तो इसलिए मैंने कहा कि उनकी बातें बजा थीं। उन्होंने कहा कि जी पुलिस वाले तो अपनी शहादतें देते रहे, लेकिन जिनके लिए वो शहादतें देते रहे उन्होंने ये किया कि जो लोग सपोर्ट कर रहे थे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को, जो लोग भत्ते ले रहे थे, जो लोग सब ले रहे थे, उनको उन्होंने सोसाइटी ने कहां से कहां पहुंचा दिया। कराची चैम्बर में शहला रजा का वालेहाना इस्तकबाल किया गया और उनको गुलाब के गुलदस्ते भी पेश किए गए। कैमरामैन रिजवान के साथ अहमद इसाक, मेट्रो न्यूज़ कराची।